अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ देर में सारा असलियत सामने आ जाएगा और उदेव हमारे घर का दामाद नहीं बन पाएगा। उसके बाद तो हम एकदम मजा से बेटा होने का सब सुख भोगेंगे, राज करेंगे पूरे आगरा में। समझाता तू हमका मालूम ना ही पड़ेगा कि तोरे पास का सबूत है। अब तक तो हमरा आदमी उ अभय और राधिका को खोज भी लिए होंगे। राधिका यहाँ तक अभय को लेके कभी ना ही पहुंच पाएगी रजन, और कहीं वो यहाँ पहुंचने में कामयाब हुई गई तो तुम लोग अच्छे से जानत हो ना का करे का है। कौन हो तुम लोग? रजन भैया कब से पूछ रहे थे आप लोगों के लिए, कहाँ थी तुम? दे वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। कोई बात नहीं, चलिए देव बाबू भी वहीं है, आप लोगों को बुलाया है, आइए आइए। एक सेकंड, शादी तो यहाँ हो रही है, आप लोग हमें अंधेरे में क्यों लेके जा रहे हैं? छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो? कैसन मिजाज हैं आपके आज महात्मा जी? एक लड़की का पिता होने का नाते कैसन महसूस कर रहे हैं आप? एक सती समान पुत्री का पिता और देवता स्वरूप दामाद प्राप्त होने से एक ससुर को इतनी प्रसन्नता हो सकती है उसका आप आभास भी नहीं कर सकती कात्यायनी देवी। बहुत बढ़िया महात्मा जी, विपरीत परिस्थिति में भी कैसन खुश रहा जात है, ये तो कौन आपसे सीखे। धन्यवाद। करने दीजिए, राधिका भी तो हमारी बेटी जैसन है ना।
आइए दामाद। आइए देव बाबू, वरमाला भी तो करना है। आइए। काना, अब तो तेरा ही आसरा है। अगर समय रहते छोटी बहू नहीं आई तो वरमाला हो जाएगी। अब तू ही बचा सकता है इस अनर्थ से, तू ही बचा सकता है। महंत जी, एक विनती थी, क्या हम ये जयमाल की रस्म थोड़ी देर बाद कर सकते हैं? ऐसा क्यों? वो क्या है ना, वैशाली की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अब लड़के की शादी माँ नहीं देख पाएगी तो अच्छा थोड़ी न लगेगा। थोड़ी देर में उसे ठीक महसूस होगा तब कर लेंगे। अरे राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन का शादी है, सुबह मुहूर्त टाला कैसे जा सकत है? थकान का वजह से वैशाली जी का तबियत थोड़ा खराब हो गया है। आप लोग उसे कोई जाए थोड़ा उसका ध्यान रखिए, अभी ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर सब रसम इस शुभ मुहूर्त पर ना हुआ तो अक्ति के दिन शादी करने का क्या फायदा? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में जयमाल जैसी महत्वपूर्ण रस्म तो शुभ मुहूर्त में ही संपन्न होनी चाहिए और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। बढ़िया कोशिश किए रहे माता जी, पर हम आपका जीतने नहीं देंगे। मैं जानती थी ऐसी घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ आप ही की हो सकती है, क्योंकि सही तरीके से सामना करने की हिम्मत आप में बिल्कुल भी नहीं है। राधिका रानी, बिल्कुल अपने बाप का बेटी हो, लेकिन हम का जीत का तरीका से नहीं, बस जीत से मतबल है। और आज हम का पूरा यकीन है कि हम ही जीतेंगे। इके बाप कह रहे कि उका बेटी सती जैसन है, तो आज वो बात का प्रमाण भी देख लेते हैं। कमरा में आग लगाई दो। लेने आई थी पति, हो जाओ सती। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। आग लगा दो। दरवाजा खोलो। ये क्या कर रहे हो? वरमाला की रस्म संपन्न करने के लिए वधु को मंच पर लाइए। बस वो पहुंचने वाली होगी। लागत है इस बार ठाकुर जी हमारी मनोकामना पूरी करके ही रहेंगे।
वरमाला का बहुत महत्व है। वरमाला की इस विधि का संपन्न होने का मतलब है विवाह संपन्न हो गया। अब आप लोग एक दूसरे को वरमाला डालिए। जन्माष्टमी में आग लग गई है और वहां एक औरत फंस गई है। राधिका, 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 कैसी हो राधिका? जानती थी आप जरूर आएंगे। राधिका छोटी बहू
छोटी बहू ठीक है बेटा? हाँ दादी माँ, मैं ठीक हूँ। आज आज सत्य की फिर से जीत हुई है और अधर्म की हार। दादी माँ, मैंने रंजन की मदद से दीपू के असली पिता को ढूंढ निकाला था और मैं उन्हें यहाँ लेकर आने वाली थी कि माता राम जी के आदमियों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। और वो आग भी माता राम जी और उनके आदमियों ने ही लगाई थी। लेकिन उस आग में मेरे विश्वास का सोना और भी खरा हो गया। अबे बाबू, कभी तोरा बात पे यकीन नहीं करेंगे। वो अच्छे से जानत है कि राधिका समेत पूरा पुरोहित परिवार कितना बड़ा झूठ है। झूठ बोले का सिवाय कुछ और आत है आप लोगों को? चुप हो जाइए माता राम जी। मैं अभय नहीं, मैं देव, देव राज पुरोहित। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। आज तक राधिका ने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही हमारे परिवार के किसी सदस्य ने आज तक कभी झूठ बोला। हम राज पुरोहित सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम समाज के सामने अच्छे आदर्श रख सके, उन्हें सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। हाँ माता राम जी, मुझे सब कुछ याद आ गया। ना ही मैं अभय हूं और ना ही कनिका मेरी पत्नी। कनिका, अभय तुम ठीक तो हो ना? ये असली अभय है। हाँ दादी माँ, माँ जी यही कनिका के पति है और दीपू के पिता भी। माता राम जी ने इन्हें भी मारने की कोशिश की थी। मैंने आपके और आपके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया माता राम जी, और आपने मेरी पत्नी और मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। लेकिन फिर भी ये लोग आपको बर्दाश्त करते रहे, आपको इस घर में रहने की जगह दी, जानती है क्यों? मेरी वजह से माता राम जी, और आपने मेरी पत्नी को जलाने की कोशिश की। ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में आप सोच भी कैसे सकती हैं? लेकिन भगवान अच्छे बुरे सारे कर्मों का हिसाब कर रहे हैं और ये सारे हिसाब इसी जिंदगी में चुकाने पड़ते हैं, और वो दिन आज आ गया माता राम जी। मैंने आपके ऊपर इतना भरोसा किया और आपने बदले में पैसों के लिए इतना घटिया खेल खेला मुझसे। एक मां से उसका बेटा, पत्नी से उसका पति छीनने की कोशिश की। आप पैसों की लालच में इतनी अंधी हो गई हैं कि ना ही आपको इंसान दिखते हैं ना ही भगवान। बताइए माता राम जी, क्या आप मुझे मेरे 5 साल लौटा सकती हैं? वो 5 साल जिसमें मेरी मां, मेरी दादी, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा दोस्त बिरजू मुझे याद कर करके रोए होंगे। जब मेरी पत्नी हर सुबह भगवान से यही प्रार्थना करती होगी कि मैं वापस लौटूं, और हर शाम को मेरा इंतजार करती होगी, क्या आप वो 5 साल मुझे लौटा सकती है? ना, आप गलत बोल रहे हैं। हम तो ऐसा कभी कहे ही नहीं कि हम कुछ लौटाएंगे।
ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि जब हम कुछ ठान लेते हैं तो वो काम को पूरा करे के बाद ही दम लेते हैं। हमरे खिलाफ जाना आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है दामाद बाबू। आप खुद ही हमें लिखित मां दिए हैं ना का आज का दिन आप हमरे दामाद बनेंगे। आप हमरी बिटिया कनिका से शादी करेंगे। देख लो कागज सब कोई। देव को अपना वादा पूरा करना ही होगा। हमरी बेटी राजपुरोहिताइन बन के रहेगी। आज का बाद इस सारा राजपुरोहिती पे सिर्फ हमरा और हमरा अधिकार होएगा। रस्सी तमाम जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली ना माताराम जी, लेकिन आप एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ राधिका, किसी और स्त्री की मेरे जिंदगी में कोई जगह नहीं। कागज के टुकड़ों पर आप रिश्तों को बांट देंगी? दिखाइए, ऐसा कौन सा कागज है जिस पर आप रिश्ते तोड़ना चाहती हैं? कागज के टुकड़ों पर ना रिश्ते बनते हैं और ना ही बिगड़ते हैं। रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं। यदि अब आपको सद्बुद्धि आ गई हो कात्यानी देवी, तो अपने जीवन का शेष बचा हुआ समय पुण्य कर्मों में एवं कान्हा की भक्ति में लगाएं, जिससे आपको अपने अंतिम समय में सदगति प्राप्त हो जाए। मैंने कहा था ना कात्यायनी देवी, बुरा करने वालों के साथ कभी भला नहीं होता, यही दुनिया की रीत है और कान्हा का न्याय। ये जानते हुए भी कि तुम अभय से प्यार करती हो, तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी कनिका? तुम्हारा प्यार अभय जिंदगी भर तुम्हें अभय ही खुश रख सकता है। माई, मैं अभय से प्यार करती हूं और सारी जिंदगी अभय के साथ ही रहना चाहती हूं। विवारानी, पिक्चर खत्म हो गया, अब चलिए माई को क्लास देना अच्छे से।
ठाकुर जी बुढ़ापा मा ऐसा दिन काहे दिखाए रहे हैं। अब आप भी मान लीजिए कि देव और राधिका एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनका रिश्ता, उनका प्यार, कान्हा से भेंट स्वरूप मिली है उन्हें। आपका जो ये रवैया है ना राधिका के लिए, इसे अब आप बदल ही दीजिए। फेरों का समय हो गया है, सभी से निवेदन है कृपया मंडप की ओर प्रस्थान करें। अभी आप इनके दाहिनी तरफ बैठिए, सात फेरों के बाद आप इनके बाएं तरफ बैठेंगे। आइए। अब आप लोग दोनों जन हवन कीजिए। आज बहुत ही शुभ दिन है कि अक्ति जैसे शुभ तिथि पर आपका यह पुनर्विवाह हो रहा है और इस पुनर्विवाह से आपके जीवन में सब प्रकार के दुख कष्ट इत्यादि दूर हो जाएंगे और निर्विघ्न सारे सुखों को भोगते हुए आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। अब वर की जो माता जी हैं वे आए और गठबंधन करें। विवाह के इस अटूट बंधन में बंधने के लिए आप अपनी धर्मपत्नी को इन सात फेरों में सात वचन देंगे और सात जन्मों तक उन वचनों को निभाने का वादा करेंगे। अब आप दोनों जन खड़े हो जाइए। आप कहिए कि मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें जिंदगी भर हर तरह से प्रसन्न रखूंगा। मैं वचन लेता हूं कि जिंदगी में तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा और हर सुख दुख में तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और हर सुख दुख में तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। अब आप कहिए। मैं वचन लेता हूं कि मैं शारीरिक, मानसिक हर तरह से तुम्हारा ध्यान रखूंगा ताकि तुम एक स्वस्थ जीवन का निर्वाह कर सको। गंगा जमुना से भी पावन तेरा
मैं वचन लेता हूँ कि सही तरीके से आमदनी करके तुम्हारे साथ ईमानदारी रखते हुए जीवन बिताऊंगा और सदैव उन्नति की राह पर चलूंगा। मैं वचन लेता हूँ कि हमेशा तुम्हारे प्यार, सहयोग, विश्वास से ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करूंगा और हम दोनों मिलके एक भरोसेमंद खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। मैं वचन लेता हूँ कि तुम्हें संतान का सुख दूंगा और अपने परिवार को वारिस दूंगा। मैं वचन लेता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा और हम पति पत्नी से पहले हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर रहे। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाते हम, जीवन साथी हम दिया और के साथ ये शुभ विवाह संपन्न हुआ। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जी, आपको तो कहती है कि कान्हा की कृपा से सब कुछ पूर्व के समान ही हो गया है। वृंदावन के जन्माष्टमी महत्व का तो आपको पता ही है। हमारी इच्छा है कि इस बार वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व आप हमारे साथ मनाएं, हम धन्य हो जाएंगे। शास्त्री जी, इस न्योते से तो खुशियां दुगनी हो गई हैं और ये तो हमारा सौभाग्य रहेगा कि वृंदावन में हम जन्माष्टमी मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं, इसी बहाने राधा कृष्ण की इस जोड़ी को और थोड़ा निहार सकूंगी। तुम दोनों बातें करो, फिर खाने के टेबल पे मिलते हैं। क्या बात, आज दिल की धड़कन बढ़ गई? आज
नजदीकियां भी तो बढ़ रही हैं। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं करके आऊं। काम? नहीं, ये पल बहुत इंतजार के बाद आया है, इसीलिए थोड़ा सा और इंतजार कर दीजिए ना। और ये इंतजार कितने मिनट का रहेगा? सिर्फ 5 मिनट का। 5 मिनट? अच्छा, मैं आपका इंतजार 5 साल तक कर सकती हूँ, और आप मेरा इंतजार सिर्फ 5 मिनट नहीं कर सकते। शुरू हो गई ब्लैकमेलिंग, ये बहुत बुरी बात है। पति को ऐसे परेशान नहीं करते। अभी जाऊं? जल्दी आना। हे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है। देवकी जी, जी पानी लाओ। नहीं, अम्मा सो गई क्या? नहीं। देवकी जी, राधिका जैसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया। राधिका ने जिस प्रकार अपनी भक्ति एवं विश्वास के बल पर अपने प्रेम को जीता है, वो प्रशंसा के योग्य है। उसका पिता होने के नाते समाज में मेरा मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो गया। पुत्री हो तो राधिका जैसी। ये क्या कह रहे हो लल्ला? आंखन का अंधा और नाम नैन सुख। अरे गर्व तो मनहूस को होवे का चाहिए। वो तोरे जैसा बाप मिलो है ना, जात का पता ना, पाठ का पता ना, धर्म को मंदिर की सीढ़ियों से उठाई के तू को ले आयो। जाने किसके पाप को तुम दोनों मां बाप का नाम दे रहे हो। अरे तारा शंकर जी आ गया फिर से कोई शिकायत करने। बैठ बेटा। बोल। अरे ये कैसी लड़की पैदा की है तारा शंकर जी आपने, जो दिन भर चोरी चकारी करती घूमती रहती है। आज फिर से आपकी इमरती ने मेरा बटुआ चुरा लिया। अरे नाक में दम करके रखा है इस कर्मचली ने तो। देख बेटा आपकी बार माफ कर दे, अगली बार ऐसा ना होगा, भगवान की कसम ऐसा ना होगा। अब जा, घर जा। आप हर बार यही कहते हैं तारा शंकर जी, इस बार या तो आप अपनी इमरती के सामने बुलाइए या फिर मैं पुलिस को आपके दरवाजे पर बुलाऊंगा। ओए नवाब, जे पुलिस पुलिस की धमकी कहीं और जाके दे। मौके ना पुलिस से डर लागे है ना सरकार से, तो को लागे है। मैं जे करमजली से बहुत खुश हूं, हैं? पंडित तारा शंकर की लौंडिया लोगों की जेबें काटती फिरती है, चोरी चकारी करती डोलती रहती है, ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो गई है ना। अरे मेरे ग्रह नक्षत्र ही खराब चल रहे थे जिस दिन ये पैदा हो गई, तभी तो मैं जा की बजाय दूसरी बच्ची को मंदिर में छोड़ाया। अरे मती मारी गई थी मेरी जो मैं मंदिर की सीढ़ियों पे हीरा छोड़ के आया, हीरा और एक पत्थर उठा के ले आया घर में। तो आप ही राम कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो? तैने शुरू की थी ना, अब मौको खत्म कर ले मेरे। हाँ खत्म तो सब कुछ वा दिन हो गया था जिस दिन मेरी बीवी गुजर गई, दो बीमार बच्चियां गोद में और ढेर सारा कर्ज छोड़कर चली गई। क्या करता, हालात ऐसे थे नहीं कि बच्चियों को पाल लेता, इसलिए एक को मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ आया, ये सोचकर कि एक बच्ची को दान दे दूंगा तो दूसरे की जिंदगी बच जाएगी और मेरी फूटी किस्मत भी बदल जाएगी। अरे तू बैठे बैठे क्या सारी राम कहानी सुनेगा? चल जा। हाँ जाते हैं शिकायत करने के लिए रोज रोज। अरे इमरती, अरे तंग आ गया हूं तेरे रोज रोज के तगादे से, या तो मेरी जान ले ले या फिर ये चोरी चकारी करना बंद कर दे। ए बुड्ढे, तेरी जब 2 टके की जान लेकर मैं क्या करूंगी? ज्यादा परेशान है ना मुझसे, जाके अपने शमशान में रह। अब बैठ के टाए टाए मत कर, चले जा मुझे। चुप।